तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, लेंगे नहीं लेंगे तो 26 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। आर पार की लड़ाई है, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, कौन रोकेगा? ये मिलिट्री से रुकवाएंगे, हमारे बच्चे हैं उस मिलिट्री में। चिकन मटन उनके पिताजी देखे गए हैं, गए यहाँ रखे गए हैं कि चिकन मटन तो खा रहे हैं। ये सर्दी के अंदर जो टेम्पो के अंदर रह के देखे ना, कानून वापिस लेना पड़ेगा, लेंगे, MSP भी देनी पड़ेगी, देंगे, ये तय है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी फैक्ट इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं साजापुर बॉर्डर पर, जहां पर लगातार किसानों का महापड़ाव जारी है और किसान नेताओं की ये मांग है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक वो डटे रहेंगे। लिहाजा इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील जी जुड़े हुए हैं। राजाराम मील जी, क्या मौजूदा परिस्थिति है? क्योंकि सरकार तो कानून वापसी को लेकर उन्होंने दो टूक कह दिया कि कानून वापस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ संशोधन होगा। वो दो टूक का वही मतलब है कि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, लेंगे, वो पक्का लेंगे, और बहुत दिन दूर नहीं है। 15 तारीख की मीटिंग है, उस मीटिंग में 101% वो कानून वापस लेंगे। MSP पे बात आड़ी हुई है कि MSP पर शायद वो थोड़े एग्री नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि MSP पर भी एग्री हो जाए, किसानों का जो कुछ मिलना है वो MSP पे मिलना है। MSP हो जाएगी तो हर किसान के लिए हर फसल का दाम पूरा MSP पे मिलेगा, तो वो फायदे की बात हो जाएगी। तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, लेंगे नहीं लेंगे तो 26 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे, 26 हम झंडा फहराएंगे दिल्ली में, तिरंगा लेके निकलेगा किसान हिंदुस्तान का, और कोई थोड़ा मोटा नहीं है, हर तरह से जो भी साधन मिलेगा, कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी, घोड़ा, ट्रैक्टर, जो भी फोर व्हील ट्रक, जो साधन जिसके पास होगा, पैदल हमारे आदमी पहुँचने चालू हो गए, दिल्ली पहुँच भी गए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि या तो केंद्र सरकार कानून वापस ले या तो कोर्ट लेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि इन कानूनों पर रोक लगा दी जाए तो क्या किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे? रोक लगाने से नहीं लेंगे, वापस लेने से ही लेंगे आंदोलन वापस। रोक से नहीं, रोक तो ये कभी खोल दें, रोक नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दें, चाहे सरकार वापस ले लें, कुछ भी करें, नया कानून लेके आए, इनको ख़त्म करें, इनको होल्डिंग करें तो ख़त्म करें कि ये ख़त्म हुए, नया कानून लेके आएंगे, वो तो बीच में नहीं छोड़ेंगे, आर पार की लड़ाई है। लाखों लोग जो बैठे हैं आज 26 तारीख को, 1 करोड़ लोग दिल्ली में घुसेंगे, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, कौन रोकेगा? ये मिलिट्री से रुकवाएंगे, हमारे बच्चे हैं उस मिलिट्री में, ये पुलिस से रुकवाएंगे, हमारे आदमी है पुलिस में, कौन सी फोर्स है जिसके अंदर किसान का बेटा नहीं हो? कोई RSS के कोई बेटे नौकरी कर रहे हैं क्या? RSS तो वो करता है जो सारे कुंवारे हैं, उनके बच्चे ही नहीं है, तो नौकरी तो हमारे बच्चे कर रहे हैं ना, किसान के बेटे कर रहे हैं ना, तो सारे के सारे हमारे साथ हैं, कोई नहीं रोकेगा। हम दिल्ली में 26 तारीख को मार्च करेंगे, झंडा फहराएंगे, जहाँ टैंक चलेंगे वहाँ हमारे ट्रैक्टर भी रैली में साथ चलेंगे, ये हमने तय कर रखा है। लाल किले से लेके और इंडिया गेट तक सब जगह हमारी रैलियाँ निकलेंगी। भाजपा विधायक है मदन दिलावर, उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि किसान आंदोलन में कुछ नहीं हो रहा, नौटंकी है, चिकन मटन की पार्टी चल रही है और बर्ड फ्लू और फैला रहे हैं किसान। चिकन मटन उनके पिताजी देखे गए हैं, गए यहाँ रखे गए हैं कि चिकन मटन तो खा रहे हैं। ये सर्दी के अंदर जो टेम्पो के अंदर रह के देखे ना, अगर उसके ज़्यादा है तो वो आगे आए ना टेंट में रहे तो सही, एक रात पता लगे कैसा है। इस रोड पे सो के भी देखे, इस रोड पे बैठ के देखे, ये फालतू की बातें करते हैं। ऊपर से मतलब किसान मर रहा है, यहाँ सर्दी से मर रहा है, बरसात से मर रहा है, मुश्किल से मर रहा है, और वो ऊपर से मतलब तुली लगाने का काम और कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये चलने वाली बात नहीं है। उसको उस दिन पता पड़ेगा जिस दिन वोट मांगने जाएगा दिलावर, जिस दिन जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब मालूम पड़ेगा किसान क्या है। किसान चिकन मटर खा रहा है या उनको भी गोता खुआ देंगे, वोट की जगह वोट की टिक्की नहीं लगेगी। इनको सबसे बड़ी वोट की चोट लग रही BJP को, तब इनकी अक्ल आएगी कि हमने गलती कर ली, तब एहसास होगा। कल हरियाणा के अंदर CM का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, उनका मंच तोड़ दिया, और ये गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि वो मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, मौसम खराब था, सारा मंच तोड़ दिया, 7,000 लड़के थे, 40
40 की उम्र से ऊपर एक भी लड़का नहीं था, सब यंग लड़के थे। पूरे हिंदुस्तान का युवा जाग चुके हैं। इन्होंने धोखा दे के जो राज लिया था, धोखे में लेके लिया था, 15 लाख, मामूली सी बात है, अच्छे दिन आएंगे, मोदी आएगा, घर घर मोदी, हर हर मोदी। ये आज घर 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 ये खोटा कानून जो आज फैला है ना, काले कानून, ये घर घर में आग लगी है। ये वो दिन चले गए बीजेपी के, मदन दिलावर को ही मालूम पड़ेगा जो वोट मांगने जाएगा। ऐसे सबूत बोलने वाले को सबूत किसान देख लेगा, पूछ लेगा, जान लेगा। वो ज़माना गया, अब नहीं है, अब वो बात नहीं रही। कानून वापिस लेना पड़ेगा, लेंगे, MSP भी देनी पड़ेगी, देंगे, ये तय है। वो दोनों का दोनों बात नहीं होगी तब तक। किसान हिंदुस्तान का आंदोलित है, आंदोलन रहेंगे और ये मोर्चे लगे रहेंगे, मोर्चे बने रहेंगे। ये क्या खाएं, जो यहाँ मिलेगा वो खाएंगा। हम भूखे भूखे भी रह गए, आंदोलन कर सकते हैं। हमें कोई मटन की चिंता नहीं है, कोई नहीं, जो चीज़ मिलेगी वो खाएंगे। हमें कोई वो नहीं है, वो बीजेपी से नहीं ले रहे, हमें बीजेपी वाला एक आगे यहाँ दाना ही नहीं दे रहे हैं। हमारे 70 शहीद हो गए हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं बोले हैं। ये आपके खट्टर बटर, ये दिलावर दिलावर, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। 70 आदमी शहीद हो गए, और 26 को हम जाएंगे ना, रोकने की कोशिश करी, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये कर ले जो करना है, और मारेंगे, मारे कितने मारेंगे, 100-50 शहीद हो जाएंगे, जो होगा देख लेंगे, कोई बात नहीं है। मरने मराने पे है किसान, किसान मरने मराने पे आ गया, किसी किस्म की बैक फुट पे नहीं जाएगा, बैक फुट पे सरकार को जाना पड़ेगा। ये धक्के से कानून देना चाह रहे हैं, ये अडानी और अंबानी से हमें क्या लेने देना है, उनके लिए कानून लेके आए, हमारे लिए किसानों के लिए है क्या? किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो किसके लिए लेके आ रहे हैं? फर्जी किसान बना के लेके आते हैं। ये इसमें ये जो गाजियाबाद से आगे वाला शहर मेरठ के किसान को लेके आया, मंत्री से मिले, कृषि मंत्री से, उन्होंने मंत्री से मिलने के बाद में संस्था रजिस्टर्ड करवाई, उसी दिन रजिस्टर्ड करवाई। पहले मंत्री से मिला, वो किसान संस्था है जो समर्थन देने आ गए, हमारे को समर्थन दे रही है। ऐसे ऐसे किसानों की ये फर्जी बना के लाते हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। भ्रमित होने वाला ज़माना गया, इनकी कोई नहीं सुनता। अब कोई आदमी नहीं जा सकता, अब मोदी नहीं जा सकता। आज की तारीख में मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये मैक्सी में लगे हुए हैं, मैक्सी ये कोरोना के लिए। कोरोना है ही नहीं, यहाँ देख रहे हो आप, कहीं है क्या कोरोना? कुछ नहीं है, ये बात ही खत्म होगी, वो बात खत्म होगी, अब कहीं नहीं जा सकते। कोई आदमी BJP का पदाधिकारी आज गांव में नहीं जा सकता। कोई MLA, कल संगरिया का MLA वहाँ कोई मीटिंग करी, गया, नहीं बढ़ने दिया गाँव के अंदर, गंगानगर जिले में। अब कोई गाँव नहीं जा सकता, जाते हैं लोग, मारते हैं इनके। किसान विरोध में आ गए, किसान विरोध कर रहे हैं। राजाराम मिल जी, आपका एक अभी वीडियो मैंने देखा था, वायरल हो रहा था, जो मंच के पास का था, जिसमें आपने हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं को आप बोल रहे थे कि उपद्रव कर रहे हैं, इन्हें मंच से दूर किया जाए। वो कौन सा वीडियो था और उसके क्या हकीकत है? ऐसा नहीं था, मैं मंच के पास ही खड़ा था, मंच पर हमारा चल रहा था, जैसे भाषण चल रहे थे, उस साइड से कोई आवाज़ आई कि ये बैरिकेड तोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये असामाजिक तत्व हैं जो बैरिकेड तोड़ रहे हैं, और हमारा कोई आदमी यहाँ से खड़ा, लोग खड़े हुए हैं ना, मैंने उनको रोका कि कोई खड़ा नहीं होगा, असामाजिक तत्व हैं ये जो कर रहे हैं, हम इनके साथ नहीं है, कोई लेने देना नहीं। इतनी देर के अंदर वो सामने आया, और हनुमान बेनीवाल भी आया सामने, और उसने कहा मेरे को, हम आपको समर्थन देने आए हैं। मैंने कहा समर्थन देने आए हैं तो बैरिकेड से ये हाथापाई मत करो और ये सामने बैठो, ये मैंने कहा। वो बात से हाथों हाथ निकल गए, इतनी बात हुई मेरी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब RLP का मंच इस वक्त खाली नज़र आ रहा है, जब आज मैं सुबह आया, क्या इसके पीछे कारण रहा? चूंकि आप पहले भी हमसे बातचीत कर रहे थे तो आपने बोला था कि आज कोई वीडियो चल रहा है कि बस छुट्टी पूरी कंप्लीट छुट्टी कर गए यहाँ से, अभी कोई वीडियो बता रहा था मेरे को तो कोई छोरा, मैंने तो नहीं देखा, मैं आया तो उधर से था, कोई आदमी तो नहीं था, ना कोई गाड़ी थी। लेकिन अभी कोई वीडियो चल रहा है, उसने खुद नहीं डाला होगा कभी, हमें यहाँ से छुट्टी करके आगे चुनाव लड़ेंगे हम, ऐसा कुछ सुनने में आया अभी। राजाराम मील जी, खबर ये भी आ रही है कि जो आसपास के गांव के लोग हैं वो इस आंदोलन से परेशान हैं, और कल महापंचायत बुलाई गई, यहाँ के नेताओं ने भी उनके साथ वार्ता की, क्या रहा उस वार्ता में और क्या समस्या आ रही सामने? ऐसा कुछ भी नहीं है, परसों के दिन 2 क्विंटल दूध और लस्सी इसी एरिया के लोग लेके आए थे, परसों
लेके आए, रोज सामान लेके आते हैं। कोई विरोध में नहीं है, कोई खिलाफ में नहीं है, सिर्फ बीजेपी के लोग थे। एक तो बीजेपी का कोई पार्षद था, बीजेपी के 5-10 लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने ये नाटकबाजी करी। वो यहाँ भी आए, हमारे पास भी आके गए, हम उधर गए तब भी वो वहाँ थे। वो उलपुल बात कर रहे थे तो हमने कोई बात नहीं करी, हम वापस आ गए। हमारे पास आए तो फिर उन्होंने गलत भाषा यूज़ कर रहे थे, गलत बात बोल रहे थे, हमें कुछ करना नहीं, हम तो शांति से हमारा आंदोलन कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं। तो वो वापस चले गए, ऐसा कुछ नहीं। वो कोई बीजेपी के लोग थे जिन्होंने इस तरीके का वो करना चाह रहे थे कि भाई हम इनके को नुकसान पहुँचाए, कुछ करें, कैसा करें, ऐसा कुछ था। आगे की अब आप लोगों ने क्या योजना बना रखी है? आगे की पोकलैंड यहाँ खड़ी है हमारी पुलिया के बरोबर, एक तो खड़ी कर दी हमने। ये या तो मान जाएंगे सरकार वाले, ये हटा देंगे 26 तारीख को, नहीं हटाएंगे तो उसको तोड़ के हम जाएंगे, तोड़ के दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाना है 26 तारीख का टाइम जो भी हमारा संयुक्त मोर्चे वाले रखेंगे, उससे 4 घंटा पहले हम यहाँ से रवाना होंगे। वो 10 बजे का टाइम दिल्ली का रखेंगे तो हम यहाँ से 6 बजे रवाना होंगे। हमारे आगे साथी बैठे हैं, वो 8 बजे से पहले उनको लेंगे साथ और 10 बजे हम दिल्ली पहुँचेंगे। ये तय हमारा, ये अभियान चालू हो गया हमारा। जो नज़दीक है, जो पैदल जा सकते हैं या वहाँ पहुँच सकते हैं, वो दिल्ली जाके ठिकाना बना लिया, रहने लगे, चले गए। और अभी हम जो यहाँ से 26 को जाएंगे तो ये अबल तो खोल देंगे, हमारे ही बच्चे हैं सब सामने। ये पकड़ खटर पटर की कोई नहीं मानेगा शायद, ये गेट खुल जाएंगे, नहीं खुलेंगे तो हम हटा देंगे और दिल्ली जाएंगे। ये प्लान हमारा तय है और इसी पर हमारी बात चर्चा और बातचीत चल रही है। जय जवान जय। ये थे राजा राम मील जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि यदि किसान कानून जो यहाँ पर विधेयक लाए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, यदि ये वापस नहीं आते हैं तो 26 तारीख को किसान किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात पर दिल्ली कूच करेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, डिफैक्ट इंडिया, साजापुर बॉर्डर।